हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल एलके बॉलीवुड ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए एक अमेजिंग सेट पे, जो आज एक सीन शूट होने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ बहुत टाइम बाद में ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स मुझे बहुत ही कम मिले, सो जिसमें ये वाला ब्लॉग डाल रहा हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि बहुत सारे पिक्चर्स में, बहुत सारे सीजन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होते हैं, उसका सीन कैसे शूट किया जाता है, कैसे शूट करते हैं, कितने लोगों की मेहनत लगती है, तो वही आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से शूट करते हैं। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सेट पे शूट होने वाले उनका लोग फिलहाल लिफ्ट से जाते हैं ऊपर। एंड कैसा लग रहा है? अच्छा, लोग सेटअप पे आ चुके हैं, देख सकते हो किस तरीके से आर्टिस्ट वगैरह सब रेडी हो गए हैं और उनको शूट करने का रिहर्सल यानी कि उनकी प्रैक्टिस चल रही है। इनको पूरी तरह बांधा हुआ है एंड उनको पूरा सब समझा रहे हैं आपको किस तरीके से आना है, किस तरीके से सीन करना और एक किस तरीके का सीन होगा, किस तरीके का ब्लास्ट होगा, मतलब पूरी प्लानिंग की जा रही है ताकि किसी को कुछ लगे नहीं इस ब्लास्टिंग में। एंड पूरी सेफ्टी के साथ में ये लोग करते हैं सेकंड टेक। ये लोग जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिलता डायरेक्टर को तब तक ये लोग शॉट लेते रहते हैं। 3, 2, 1 एक्शन। आप देख सकते हो अभी आर्टिस्ट को किस तरह से करेंगे, अरे आपने किस तरह से उसको खींचा एकदम अचानक से भाई। बच गया भाई, कुछ लगा नहीं है, अच्छा है। एंड ये पूरी उनकी रिहर्सल चल रही है, देखो टेक हो गया, वो बंदा टेक लेके खड़ा है। एंड पूरी कितनी एक मिनट का भी सीन नहीं होगा और उसके पीछे लोगों की मेहनत देखो, कितनी मेहनत है इस चीज़ के पीछे। एंड देख सकते हो गाइस सब लोग कितने मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं। एंड ये था तो गाइस इसमें बहुत हार्ड वर्क है भाई, जो आर्टिस्ट है उसको भी लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ये पूरी प्लानिंग के साथ में कर रहे तो उनको लगेगी तो नहीं। एंड ये ब्लास्टिंग का एक छोटा सा सीन होगा, हालांकि एक मिनट का ही होगा शायद से, बट उसके पीछे इतना खर्चा, इतनी मेहनत, इतने लोग वहाँ पे देख सकते हो फिर से, अरे शायद लग गया बंदे को, अरे रे रे भाई। प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं लोग, तो पूरा बता रहे भाई इस तरीके से नहीं, तू इस तरीके से पकड़। हाँ भाई, ये देख सकते हो ऊपर के साइड में पूरा सेटअप लगा रहे हैं लोग, पूरा रेडी कर रहे हैं, छोटा छोटा शॉट ले रहे हो लोग और इसको पूरा एडिट करके एकदम मस्त एकदम ऐसा मसाले वाला बना देंगे कि भाई देखने में भी मजा आ जाएगा। देख सकते हो फिर से लोग टैग ले रहे हैं और इस बार साइड से ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि दरवाजे के पीछे ये वाला भाई हो जाए इनका अच्छी तरीके से, कुछ होना किसी को लगे नहीं। अरे भाई, और जैसे एक्शन बोल दिया है, 1, 2, 3 अरे गाइस ये भी फेल हो गया है, क्योंकि ऊपर से खाली जो पल्ली लगा रहे थे वही गिरी, दरवाजा खुला नहीं है। तो ये लोग रिटेक करेंगे, फिर से कर रहे हैं सीन। एंड ओ माय गॉड, फिर से सीन परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजा एकदम प्लास्टिक के साथ में खुलेगा, बंदा जो गिरा है ऊपर से देखो, ऊपर का भी टूट गया, इतने फोर्स के साथ में वो गिरा है। ये ऊपर का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख सकते हो पूरा वो निकल गया, पूरा क्लिप ही निकल गया पूरा वहाँ का। फिर से टेक ले रहे, इस बार आई होप परफेक्ट हो जाना चाहिए। लगा, बच गया बंदा। तो चलो गाइस मैं आप लोग को नज़दीक जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर यानी कि क्या था, मैंने भी नहीं देखा था कि क्या क्या थे अंदर। चलो नज़दीक जाके बता देते हैं किधर कुछ नुकसान वगैरह कुछ हुआ तो नहीं। एंड देख सकते हो आप लोग पूरा लकड़ी का बना हुआ ये
पूरा से कुछ भी मतलब किसी को भी लगे नहीं, और पूरा इस तरह रियलिस्टिक बनाया हुआ है, पूरा रियल बनाया हुआ है कि ऐसा लगना चाहिए कि रियल में बम ब्लास्ट हुआ है करके। एंड ये पूरा देख सकते हो पूरा ये है। सब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े वगैरह ऊपर से जो फल्ली है वो, वहाँ पे कैमरेज वगैरह सब लगे हुए, कैमरे को ढक दिया गया था गाइस ताकि कैमरे के ऊपर कुछ भी उड़ के ना आ जाए। एंड ये देख सकते हो पूरा पूरा गैस है, एक साथ में ब्लास्ट करते हैं लोग। एंड देख सकते हो पूरा धुआं धुआं हो गया अंदर पूरा, पूरा देख सकते हो ऊपर साइड का पूरा एकदम इतना इंटरेस्टिंग सीन बनाएंगे लोग, देख सकते हो। तो एक छोटे से सीन के पीछे लोगों की कितनी मेहनत है, एंड इस टाइप से बम ब्लास्टिंग के सीन शूट किए जाते हैं गाइस, इसके पीछे बहुत खर्चा, बहुत मेहनत, बहुत सारा लोगों का इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ लगा होता है। चलो हम लोग अंदर आ गए हैं, अंदर आके फिर अंदर से बता देता हूँ ताकि कुछ जले वगैरह नहीं, उसके ऊपर पानी छिड़क दे रहे। अच्छा है पूरा ऐसे सीन शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, एंड बहुत ही दिमाग से करते हैं लोग। दोबारा तो धमाका नहीं है ना, हो गया ना। एंड देख सकते हो आप लोग पीछे सब है, फोर से सब शूट होते हैं, इतना सारा क्राउड है। एंड मेरे हिसाब से शायद से वो परफेक्ट नहीं मिला इनको शॉट, फिर से रिटेक लेंगे लोग, देखो प्रैक्टिस जारी है अभी भी उनकी, फिर से लेंगे। आई होप इस बार परफेक्ट हो जाए लोग का शॉट, परफेक्ट होगा ही वैसे। एंड जैसे टेक हो चुका है 1 2 3, अरे भाई मोबाइल सेट का इस मोबाइल पे भी आ गया था, फिर से दूसरे कैमरे से दिखा देता हूँ किस टाइप से सीन शूट हुआ है। अरे तो गाइस 5-6 बार कम से कम ये टेक ले गया है एक प्लास्टिक के सीन के लिए, 5-6 बार शूट किया, 5-6 बार उन्होंने धमाके, फिर से एक बार होने वाला है लगता है शायद से। एंड बाप रे भाई बहुत ही मुश्किल है ये करना भाई, मैं किस तरीके से शूट कर रहे हैं भाई, कुछ बहुत ही मतलब देख सकते हो मैं भी अंदर साइड जा रहा हूँ। ये पूरा देख सकते हो किस तरह लकड़ी का बुरादा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, छोटी छोटी लकड़ी है, फिर छोटी छोटी चीज़ें जो कि जलने वाले हो, ये देख सकते हो इसमें सोयाबीन वगैरह भी है, क्योंकि रियलिस्टिक लगना चाहिए ना, तो इस तरीके से गाइस शूट होता है पूरा। तो गाइस आप लोगों ने देखा किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, बहुत ही गंदा वाला ब्लास्ट हुआ, पूरा कैमरे के ऊपर उड़ कर आ गया था ये पूरा जो भी था, ये लोग का धूल मिट्टी दरवाजे का पेपर्स वगैरह वो सब बहुत सारी चीज़ें पूरा आ गई थी कैमरे के ऊपर। गाइस ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया वो सिचुएशन में, क्योंकि पूरा आँख में धूल वगैरह सब चला गया था, इस वजह से मैं नीचे आके ही वाला वीडियो बना रहा। तो गाइस इस तरह से होता है फिल्म सीरियल्स वेब सीरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ब्लास्टिंग होते हैं। तो गाइस अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो में आगे भी बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा।